तो ये आपका जो मूड है वो एक एक्सपेंस मॉड्यूल है, और कैसे आप देख रहे हैं पहले आपका जो बिजनेस है, अगर हमें समझा सके तो। तो सबसे पहले थैंक यू प्रीति जी, आपने मौका दिया मुझको चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। पहले मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ कि जो जैगल है, जैगल का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप हैगल मत कीजिए। तो जो हमारे हम लोगों की आदत होती है कि भाई भारतीयों की आदत होती है कि हम हर चीज में हैगल करते हैं, कुछ ना कुछ टुकुर मुकुर चलता रहता है। तो सबसे पहले हमारा नाम है जैगल, मतलब बेसिकली डोंट हैगल जस्ट जैगल, ये हम जनरली लोगों को बोलते हैं। प्रीपेड इसलिए क्योंकि हम प्रीपेड का काम करते हैं। ओशन सर्विसेज, ओशन क्योंकि उतना डीप है, इतना ही मतलब गहरा है, उतना ही चौड़ा है और इतनी अपॉर्चुनिटी है करके हमने ओशन नाम डाला है। और बिकॉज हम टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसलिए हमने सर्विसेज का नाम डाला है। तो दैट इज वाई हमारा नाम है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। इसमें हम लोग सैस और फिनटेक के इंटरसेक्शन पे हैं। तो हम सैस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को और एंटरप्राइजेस को। उसके बाद हम एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया प्रीति जी, और आपको सीएनबीसी ने बोला कि भाई आपके इस महीने आपको 10,000 रुपए का हम एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम में किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर बताता है। आपकी आपकी कंपनी के ईआरपी के साथ वो इंटीग्रेटेड होता है और आपको ये बताएगा कि ये 10,000 रुपए प्रीति जी को मिले हैं। ओके, अब प्रीति जी को दिखेगा उनकी ऐप में, हमारी एक ऐप है जो यूजर यूज करता है, वो ऐप में आपको दिखेगा कि सीएनबीसी ने आपको 10,000 रुपए दिए हैं और ये वेरियस ऑप्शंस हैं जहां आप खर्च कर सकते हैं। तो जो वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप खर्चा कर सकते हैं, वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। और अभी ऐसा हुआ है, हमने बहुत इनोवेशन लेके आए हैं। मैं ये छोटा सा आपको कीचेन दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखेगा जैसे कीचेन है बट अगर आप एक्चुअली देखें तो ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब आप कहीं भी जाएं, ग्रोसरी स्टोर में जाएं या फिर फ्यूल स्टेशन पे जाएं, आपको जस्ट दिखाने की देर है एंड आप इमिडिएटली उसके बाद मूव कर सकते हैं। तो हम लोग ये पेमेंट्स और सैस सैस फिनटेक, दैट इज वाई हम बार बार अपने आप को सैस फिनटेक के इंटरसेक्शन पे कहते हैं। हम इसमें अगर सपोज कीजिए आज मैं यहाँ से बॉम्बे से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में एक मैं होटल में रुका, होटल में मैंने कहीं दो तीन जगह पे खाना खाया, वापस मैंने कैब पकड़ी और मैं वापस फ्लाइट पकड़ के वापस मुंबई आ गया। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपको कुछ हर बार आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है और उन लोगों को वो बिल्स मेंटेन करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। आप हमारी ऐप, हमारा सोल्यूशन लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फोटो क्लिक कीजिए जो आपके बिल की है और उस पे अपलोड बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में चला जाएगा और जाके आपके एपीआई इंटीग्रेशन जो हमारी ईआरपी के साथ है उसके थ्रू वो जाके आपके अकाउंटिंग सिस्टम में बैठ जाएगा। अब आप बोल सकते हैं कि ऑटोमेटेड अप्रूवल होता है और कुछ जगह पे होता है कि इट रिक्वायर्स अप्रूवल कि भी आप अप्रूवल दीजिए। तो जहां अप्रूवल दीजिए आएगा वहां पे आपके अप्रूवर के पास चला जाएगा, जहां है कि भी ये पॉलिसी के अंदर है वहां डायरेक्टली जाके सिस्टम में बैठ जाएगा। इसकी वजह से औसतन आप देखेंगे कि कम से कम 15 से 20% का मतलब कंपनीज को 15 से 20% की बचत होती है और ये सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड है। तो ये हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्लस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेसिकली इन दोनों का एक मिश्रण है जो हम एंटरप्राइजेस को बेचते हैं। तो ऐसे माना जाए कि सर ये एक चलता फिरता वॉलेट जैसा है, जहाँ जो आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने कहा कि एक चीज़ पे, एक मॉडल पे आपको सब कुछ करने को मिलेगा। और साथ में हम अगर देखें तो जैसे आपने जैगल दिया है, जो हैगल हम ना करें, और हैसल फ्री आपका आप शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं, करेंगे जैसे भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। लेकिन हाँ ये जो आपका मार्केट है वहाँ कंपटीशन तो है, मे बी स्टेगर्ड मैनर में होगा, मे बी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आप कंपीट करेंगे, क्योंकि जो ये फिनटेक ऐप है, हाँ, हम रोज कुछ इनोवेशन देखते रहते हैं। कितना सस्टेनेबल होगा, कितने पीरियड के लिए सस्टेनेबल आप देख रहे हैं, और ठीक है। कैसे आपका जो ऐप है, कैसे आप उसमें इनोवेशन डालते रहेंगे?
देखिए, मैं आज के जमाने में जब फिनटेक कंपनीज को जोड़ा जाता है और बोला जाता है कि भी इट इज फैशनेबल टू बी लॉस मेकिंग, हम लोग अनफैशनेबल हैं और हम लोग वी आर प्रॉफिटेबल। हम 4 साल से लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान रहता है कि भी कोई भी डील करे, किसी भी कॉर्पोरेट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, वो 100% प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी हम जाके उनसे साइन करते हैं। आज 2400 हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। हमने पिछली बारी पिछले साल मार्च 2023 में हमने टोटल मिला के 553 करोड़ का बिजनेस किया। हमारे 5 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। आप देखिए, एम्प्लॉय रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन एक प्रोडक्ट है, एम्प्लॉय रिएम्बर्समेंट एक प्रोडक्ट है, एक्सपेंस मैनेजमेंट एक प्रोडक्ट है, पेरोल एक प्रोडक्ट है, और पांचवा प्रोडक्ट हमारा जॉयर विच इज अकाउंट्स पेबल है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हम किसी भी इन पांचों कैटेगरी में मिला के आपको लाइक टू लाइक कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। एक ही मतलब अगर आप विदेश में भी जाएंगे तो एक कॉम्पिटिटर हमारा है जिसका नाम ब्रेक्स है, जो अबाउट 13-14 बिलियन डॉलर का वो है। इंडिया के अंदर हमें लाइक टू लाइक कॉम्पिटिटर इन सारी स्पेस में नहीं मिलता है। इंडिविजुअल वन टू वन स्पेस में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन हम जिस तरीके से हमने कंपनी को बनाया है, ये मतलब आप सोचिए, भारतीय माइंड आज जब जाके मून के ऊपर फर्स्ट टाइम एक इंडियन इंडियन रॉकेट गॉट लॉन्च, सिमिलरली इज आवर स्टोरी की हमने पूरा भारतीय दिमाग लगा के पूरा का पूरा बहुत कम पैसे उठाए। हमने 15 करोड़ इससे पहले उठाए थे मार्च 2023 तक, और उसको हमने यूटिलाइज करके हम इस लेवल तक पहुंचे हैं और हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। जी, ऑन दैट नोट बहुत एक्साइटिंग फीचर्स आपने बताए हैं और एक्साइटिंग मोमेंट आपके लिए भी होगा। तो ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और वापस हम मे बी लिस्टिंग के समय वापस मिलेंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच।